बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने अपनी खून बहा, इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़े, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाए, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। मैंने CA NRC का विरोध किया तो मुझे नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये कहना है बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर इन दिनों अपने पदयात्रा खत्म होने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, और उनके इस ऐलान के बाद बिहार के तमाम नेताओं की टेंशन बढ़ चुकी है, खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। और अब देखिए, प्रशांत किशोर आज पूर्णिया जाते हैं, जहां पूर्णिया में एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, और फिर जब अपनी बातों को रख रहे होते हैं प्रशांत किशोर, उस वक्त उनका कहना होता है कि जब मैंने CA और NRC का विरोध किया था तब मुझे नीतीश कुमार ने खुद से अलग कर दिया, और आज देखिए उनके साथ कितने सारे मुस्लिम समर्थक, कितने सारे मुस्लिम नेता घूम रहे हैं, और आज वही नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों को साथ खड़े करते हैं, लेकिन उनके लिए जब काम करना होता है तो जदयू और नीतीश की पार्टी पीछे हट जाती है। प्रशांत किशोर का पूर्णिया में सबसे बड़ा हमला नीतीश कुमार को लेकर के हुआ है, जहां उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, और इसी के तहत उन्होंने बड़ा नीतीश कुमार पर लगाया है। पूर्णिया में क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनवाते हैं। उसको दूसरे परिपेक्ष में था, हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्त का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्त पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आजादी में, जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने अपनी खून बहा, इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने कुल उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे CA NRC का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है, ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे एक बयान दे देने से कि वह का कानून खराब है उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। CA NRC गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया CA NRC का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए? वक्त के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ का साथ दिया, और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को MLC और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा।